नागपुर जिला युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के पास एक वीडियो कॉल रात में आया, जिसमें रायसोनी कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज के एक विद्यार्थी को बुरी तरह पीट रहा है। छात्र संगठन ने ये मांग उठाई है कि मान भी लें कि उस विद्यार्थी की गलती होगी, पर उसे दंड देने का अधिकार कॉलेज प्रशासन का है, ना कि उस सिक्योरिटी गार्ड का। नागपुर जिला यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने यह मांग करी कि उस सिक्योरिटी गार्ड के मालिक का टेंडर रद्द किया जाए व रायसोनी कॉलेज प्रशासन उस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, अन्यथा विद्यार्थी के सम्मान हेतु नागपुर जिला यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई आगे तीव्र आंदोलन करेगा। आमदार विकास ठाकरे जी व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल जी राउत, इनके आदेशानुसार यह आंदोलन किया गया। इस मौके पर वसीम खान ने GH रायसोनी कॉलेज में छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन को ठहराते हुए तुरंत सिक्योरिटी गार्ड पे FIR मामला दर्ज करने की मांग की। इस आंदोलन की अध्यक्षता युवक कांग्रेस नेता वसीम खान व NSUI के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने की। कॉलेज का माहौल तब काफी गर्मा गया जब वहां अचानक पुलिस आ पहुंची। कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वे उस कार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव अक्षय डोलीकर, ग्रामीण यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष आशीष मंडपे, जनरल ओवेश, रौनक नानगावे, सतीश साखरे, सरफराज अंकित, जिशान, सतीश साखरे, हर्ष बर्डी, दया शाहू, पीयूष ईमान, शाहनवाज सोन, कुसरे, प्रवीण कड़बे, पारस गजभिये, पराग राउत, कामरान और आदि उपस्थित थे। रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ के कैंपस में दो दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड का दौरा स्टूडेंट पे, छात्रों पे रॉड से हमला हुआ है और छात्राओं में ये अत्याचार नहीं सहने लगे। हम पिछले आधे घंटे से यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ का मैनेजमेंट हमको डीन से मिलने नहीं दे रहा है, यहाँ का मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात नहीं करवा रहा है, लेकिन जब तक प्रिंसिपल बाहर नहीं आएंगी और हमको और यहाँ के स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और वो जो गार्ड है बाउंसर जिसका नाम रॉकी है, उसमें जल्द से जल्द FIR दर्ज होने को होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।